close till I get up. Time is barely on our side. I don't wanna waste what's left. The storms we chase are leading us, and love is all we'll ever trust. Yeah, no, I don't wanna waste what's left. And on we'll go through the wastelands, through the highways, till my shadow turns to sun rays. And on we'll go through the wastelands, through the highways. And on. हेलो दोस्तों, कैसे हो? मेरा नाम है कृष्णा और आप देख रहे हैं दिलरन वॉइस पर। दोस्तों, मैं हूँ अभी जाजपुर में, यहाँ जाजपुर रोड पे। और बहुत से लोगों को ये कन्फ्यूज़न होता है कि जो भी कटक गए हैं या ट्रेन के माध्यम से, जाजपुर और केवंझर रोड, यहाँ जाजपुर और केवंझर रोड भले स्टेशन का नाम हो पर जाजपुर से केवंझर का डिस्टेंस करीब 115 किलोमीटर है। तो अभी मैं नाइट में हूँ और अपने रूम में हूँ और अभी मैं जा रहा हूँ रेलवे स्टेशन। और नाइट में क्या क्या सीन होता है मैं आपको दिखाता हूँ। रेलवे स्टेशन जा रहा हूँ थोड़ा सा फास्ट फूड खाने के लिए, काफ़ी ज़्यादा इच्छा हो रहा था। तो चैनल पे अगर नहीं तो फटाफट सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को क्लिक कीजिए, सब्सक्राइब बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा। और वीडियो क्योंकि बहुत दिन से पॉज हो चुका था, अब ऐसा नहीं होगा, बैक टू बैक वीडियो आपको मिलेंगी। चलिए फिर चलते हैं और देखते हैं कैसा व्यू नाइट में। देखिए, नाइट व्यू है मेरे रूम के पास। थोड़ा खाना पीना टाइट रखो। स्टेशन के सामने एक दुकान है और आप स्टेशन के अपोजिट जाओगे ना तो उधर आपको कोई दुकान नहीं मिलने वाली, दो दो सौ तीन तीन सौ मीटर तक के। तो ये चीज़ का आप बेकायदा ख्याल रखें। और ये सामने रेलवे स्टेशन का वो फुट ओवर ब्रिज और ये थ्री व्हीलर पार्किंग है। सामने देखिए, आप दिख सकता है ये इंडियन फ्लैग और ये जाजपुर केवंझर रोड का बोर्ड, शायद कैमरे में ना आता हो, और इंडियन फ्लैग तो आपको आ रहा होगा। और ये है रेलवे स्टेशन सामने। ये मेन एंट्रेंस है सामने बाइक के बाद, शायद अब आपको दिखे।
लेन में मैं जिस रोड में मैं चल रहा हूँ, उस रोड में मैं जहाँ पे हूँ वहाँ से 400 मीटर पहले और आगे करीब 800 मीटर तक सिर्फ इसको बैंक स्ट्रीट कहते हैं, सिर्फ बैंक, और ऐसा कोई बैंक नहीं जो यहाँ पे नहीं है और ऐसा कोई शोरूम नहीं जो यहाँ पे नहीं है। रोड से लेकर के बहुत सारी चीज़ आपको यहाँ पर मिल जाएंगे, कहीं जाने की जरूरत नहीं है। फाइनली अपने रूम की ओर जा रहा हूँ। सामने मुथूत का ऑफिस है, मुथूत फाइनेंस। तो फाइनली ब्लॉग को एंड करते हैं और मैंने अपने रूम से रेलवे स्टेशन से फिर वापस रूम आया और जिस रोड में मैं चल रहा था मैंने बताया है उस रोड में करीब 1 किलोमीटर आगे जाऊंगा तो रिलायंस ट्रेड से लेकर रिलायंस ज्वेलर्स से बजाज फिनसर बजाज फाइनेंस एयरटेल जियो एम बाजार आपने अभी देखा था बी टू वगैरह वगैरह रिलायंस स्टोर्स बहुत सारी चीज़ें आपको मिल जाएंगी, कहीं भी जाने की जरूरत नहीं है। चैनल पे अगर नहीं तो फटाफट सब्सक्राइब कर लीजिए। अगर चाहते हैं कि मैं पर्टिकुलर किसी चीज़ का ब्लॉग दूँ और मैं आपको बताना भूल गया, मैं जिस बिल्डिंग में उसके नीचे जो शोरूम है वो बेबी हब्स का, जी हाँ, जहाँ पे छोटे बच्चों के कपड़े मिलते हैं वो शोरूम टाइप है। मेरे रूम से जाते हुए स्टेशन का डिस्टेंस जो 800 मीटर है और 8 × 16 यानी 1.6 किलोमीटर को मैंने किया है और नाइट व्यू जो मैंने जाते हुए दिखाया है कैसा लगा आप मुझे ज़रूर बताना। चैनल पे अगर नहीं वॉच करें तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा, वीडियो को लाइक कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा और शेयर जरूर करें अगर पसंद आए तो। और चाहते हो कि मैं जाजपुर का और भी व्यू दिखाऊँ तो कमेंट सेक्शन में मुझे बताना। अभी मिलते हैं किसी अगले ब्लॉग, जय हिंद, जय भारत, बहुत।